हाय फ्रेंड्स, खमन ढोकला तो हम सबको पसंद होता है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को। और ये खमन ढोकला इतना फास्ट बनता है, आप 20 मिनट के अंदर इसे बना के रेडी कर सकते हैं। एकदम बाहर से जो हम लाते हैं मार्केट से, जितने स्पॉन्जी और एकदम पानी से अंदर भरे हुए, एकदम मुंह में पिघल जाने वाले ऐसे ढोकले ये बनते हैं। ये देखिए, यहाँ टेक्सचर बता रही हूँ। एक ढोकला मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी बता रही हूँ, ये अंदर से कितने एकदम फ्लफी बने हैं, खुले खुले बने हैं, जालीदार बने हैं, ये देखिए। और मुंह में रखते ही ये ढोकले पिघल जाएंगे। फ्रेंड्स, आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम कम इंग्रेडिएंट्स में और फटाफट बन जाती है ये। इसके लिए हमें एक बोल में नमक लेना है स्वाद अनुसार। यहाँ पे 1/4 टीस्पून जितनी मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 2 टीस्पून जितनी हमें शक्कर डालनी है। फ्रेंड्स, ये खमन ढोकला शक्कर के बिना नहीं बनता है। यहाँ पे हमें एक नींबू का रस निचोड़ना है। इंग्रेडिएंट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक बार ज़रूर चेक करें। फ्रेंड्स, नींबू के रस की जगह आप यहाँ पे टाटरी ले सकते हैं, 1/4 टीस्पून जितनी टाटरी, जिसे हम नींबू का सद भी बोलते हैं। इसे हमें विस्क करना है और इसमें 2 से 3 टीस्पून जितना पानी और ऐड करना है। फ्रेंड्स, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 1 कप यानी कि 100 ग्राम जितना बेसन ले लिया है। ये मेरा तो बाज़ार का लाया हुआ ही बेसन है, और जो घर में अवेलेबल बेसन हो आप वो ले, और उसे छाने ज़रूर। बिना छाने उसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा, तो उसे छान के लें, क्योंकि बेसन में गुठलियाँ बहुत जल्दी पड़ जाती है। इसे हमें सबको अच्छे से छान देना बेसन को, और उसे विस्क से वापस मिक्स करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। 1 कप बेसन के अंदर मुझे 1/2 कप से भी थोड़ा पानी लगा है, क्योंकि बेसन जल्दी घुल जाता है तो उसे पानी कम लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें। इसे हमें जो डोसे का बैटर होता है उससे हल्का सा पतला रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, और इसे एक ही डायरेक्शन में आप घुमाते रहें। इसे अच्छे से लम्प फ्री बैटर बना दे। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ चम्मच से, ये ऐसा बैटर होना चाहिए। जब इसमें गुठलियाँ ख़त्म हो जाए तो इसे 2-5 मिनट के लिए रखें, तब तक एक प्लेट को ग्रीस कर लें। मैंने यहाँ छोटी सी थाली ली है, आप चाहें तो केक टिन यूज़ कर सकते हैं, या राउंड या स्क्वायर मोल्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसे एक तेल से अच्छे से ग्रीस कर लें और पानी गर्म रख दें ढोकले के लिए स्टीमर में। मैंने यहाँ पॉट यूज़ किया है पैन का। अब यहाँ पे मैं इनो यूज़ करूँगी, लेमन सैशे वाला। यहाँ पे मैं 3/4 इनो का सैशे डाल दूँगी, 1/4 नहीं डालूँगी, क्योंकि हमारा बेसन 100 ग्राम ही है। उसके ऊपर मैं 1 टीस्पून जितना पानी डाल दूँगी, ताकि इनो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। फ्रेंड्स, इनो का असर 2 ही मिनट रहता है, ये काम हमें जल्दी जल्दी करना है। इसको एक ही डायरेक्शन में हिला लें, ये देखिए इसका टेक्सचर पूरा चेंज हो जाता है। जब ये ऐसा फ्लफी और वाइट हो जाए तो आपको इसे प्लेट में जल्दी से ट्रांसफ़र कर देना है। फ्रेंड्स, ये अगर आप प्रोसेस धीरे धीरे करेंगे तो ढोकला स्पॉन्जी नहीं बनेगा और उतना फ्लफी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे इसे हमें 2 से 3 बार ऐसे टैप कर देना है, और अब हमारा पानी भी बॉईल हो गया है। इसे उबलते उबलते पानी के ऊपर रख देना है इस तरीके से, और गैस की आंच को फास्ट करनी है। फास्ट आंच पे इसे हमें 15 से 17 मिनट तक स्टीम होने देना है। अब ये यहाँ पे हम वघार की तैयारी करेंगे। एक कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून जितना तेल डाला है। तेल गर्म हुआ वैसे ही मैंने राई डाली है और थोड़े सिसमी सीड्स डाले हैं, तिल डाले हैं। मिर्ची को यहाँ पे मैंने स्लिट करके डाल दिया है, कुछ कड़ी पत्ते डाले हैं, और 1/2 कप इसके अंदर मैंने पानी डाला है। अगर 1 कप बेसन है तो हमें 1/2 कप पानी डालना है। 1 चम्मच जितनी मैंने शक्कर डाली है, और ये पानी के जितना हमें नमक डालना है। इस सब को अच्छे से उबाल लेना है। अब यहाँ पे ये देखिए, हमारा ढोकला भी फूल गया है 15 मिनट में। चक्कू डाल के इसे देखिए, क्लीन निकले, इसका मतलब
ढोकला स्टीम हो गया है। अब इसे हम ऐसे स्क्वायर्स में कट कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसे पहले अनमोल्ड करके फिर कट कर सकते हैं। मैंने उसी में कट कर दिया है और अब मैं अनमोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए, इसे हल्का सा ऐसे टैप कर देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और ये देखिए, प्लेट में बिल्कुल कुछ नहीं चिपका है और इतना अच्छा एकदम स्पॉन्जी बना है। अब ये यहाँ पे जो वघार बनाया था हमने पानी वाला, वो पूरा मैं इस ढोकले के ऊपर ऑल ओवर डाल दूँगी ताकि ये पानी नीचे तक अच्छे से पहुँच जाए और हमारा ढोकला स्पॉन्जी और पानी वाला और अच्छे से फ्लफी हो जाए, फूल जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए रेडी है हमारा नायलॉन खमन ढोकला। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर टैप करें, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती हूँ न्यू रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।